मॉरल लाइक दैट जस्ट यू मस्ट बी नोन ऑफ इट कि भारत में जो फर्स्ट नेशनल इनकम था इट वॉज पब्लिश्ड एंड गेस्टेड ओके गेस्ट भाई वह व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी यू नो दादा भाई नौरोजी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हम उस समय ये कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी वाज एन इकोनॉमिस्ट ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया और इन 1867 टू 68 दिस वॉज द पीरियड इस समय इन्होंने एक किताब लिखा था दिस वॉज द बुक एक किताब था बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम क्या था ओके क्या नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या बुक का नाम था सब लोग बोलेंगे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है तो यह जो हुआ यह एक किताब जो थी जिस किताब यानी दिस बुक वॉज रिटेन एंड क्वेंट बाई दादा भाई नौरोजी कब 1867 टू 68 याद रहेगा ना यानी 1867 में एक किताब लिखा गया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया तो पहला क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछेगा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया या किताब किसके द्वारा लिखा गया था क्या जवाब देंगे आप दादा भाई नौरोजी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय आय एज वेल एज पर कैपिटा इनकम ठीक है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बोथ वर पब्लिश या गेस्ट अनुमानित किया गया था बाय विच इनके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा और एक कौन सी किताब में सबसे पहले बात पब्लिश किए थे तो किताब रहेगा पॉवर्टी एंड तो इस समय इन्होंने जो राष्ट्रीय आय की बात किया नेशनल इनकम का इस समय जो देश का नेशनल इनकम था और एक हमारा पर कैपिटा इनकम था क्लियर हो गई तो जो नेशनल इनकम थी वह उस समय हमारा 340 करोड़ था कितना था 340 करोड़ रुपया ओके और जो पर कैपिटा इनकम थी ये ओनली 420 रुपीज थी कितने थी ओनली 420 रुपीज तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में कि पहला जब हमारा 1867 टू 68 जो राष्ट्रीय आय बताई गई थी वह किसके द्वारा बताई तथा राष्ट्रीय आय कितना था तो कितना था 340 करोड़ 340 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी थी 20 रुपया यानी 20 रुपया अरे दोनों किसने बताया था दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी कौन थे इकोनॉमिस्ट थे और देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्रामी भी रहे हैं ना है ना फ्रीडम फाइटर भी रहे तो ये चीजों को भी आपको याद रखना होगा इजी ओके तो सबसे पहला इन्होंने अनुमान लगाया था तो ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गई ओके किताब का आप नाम भी याद रखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या होता है जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में सेकंड हमारा क्वेश्चन जो बीपीएससी पहला पूछता है वह पूछता है कि ऑन साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक तौर तरीका से भारत का नेशनल जो इनकम थी वो नेशनल इनकम को किसने प्रेडिक्ट किया था ओके तो इसमें नाम आ जाता है डॉक्टर वी के आर वी राव आई हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस पर्सन क्या इस व्यक्ति का नाम आपने सुना है डॉक्टर वी के आर वी राव यह एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1931 to 32 इस दौरान इन्होंने देश का राष्ट्रीय आय को बताया था नेशनल इनकम यह जो था ये साइंटिफिक मेथड के आधार पर बताया था जो 1931-32 को जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं इस पीरियड में लगभग दुनिया में देखा जाए तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगभग हो चुका था डेवलप हो चुके थे और इस दौर में उन्होंने जो भी अपना भारत का राष्ट्रीय आय को बताया वह था एक साइंटिफिक मेथड लेकिन इनकी जो भी डेटा दी गई थी यह डेटा पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं सेटिस्फाई हमारी गवर्नमेंट को नहीं कर पा रही थी और यही कारण हो रहा था कि इनके दिए हुए डेटा को मान्य नहीं दिया गया या कहते वैलिड नहीं मानी गई और फाइनली कुछ त्रुटियां यानी लूपहोल के कारण इसे पब्लिश नहीं किया गया आज और कह सकते दूसरे सबने इसे मान्यता नहीं मिली ओके तो दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है हर एग्जाम में पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक तरीका से सबसे पहले किसने किया था क्या नाम आ जाएगा डॉक्टर वी के आर वी राव कब 1931 to 32 एक हमें यहाँ पर आपको चार्ट देंगे टेबल लिखवाऊ टेबल को याद करना होगा अब थर्ड क्वेश्चन हमारे होता है वह होता है कि हु पब्लिश्ड नेशनल इनकम हमारे यहाँ नेशनल इनकम को पब्लिश कौन करता है ये भी एक क्वेश्चन होगा तो देखेंगे हमारे पास जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो दो चीज होता है एक हमारे पास CSO है और एक हमारा NSSO था NSSO नाम सुना है आपने CSO पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी सेकंड में
1951 को, कब हुआ था? सेकंड में 1951 को, और इसका फुल फॉर्म उस समय जो था ये था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दिस वॉज द नेम वेन इट वॉज एस्टेब्लिश, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका जो नाम था वह था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वॉज सिचुएटेड इन कोलकाता। नाम याद रहेगा, ये पहले कहां था? कलकत्ता। तो अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSO के हेडक्वार्टर कितने हैं? CSO के दो हेडक्वार्टर हैं। ये जो कोलकाता की हमने बात की इसको अब डिफाइन हम कर लेते हैं, सबसे अच्छा होगा। तो इसका एक हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका एक हेडक्वार्टर है, और ये जो कोलकाता हमने पढ़ा ये हमारा इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर है। क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर है। इज इट ओके? तो आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है कि CSO का इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ जवाब देंगे आप? कोलकाता। और ऐसे इसका जो ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? तो CSO की जो स्थापना, CSO का जो वर्क था, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो फंक्शन थी, ठीक है, यह फंक्शन था कि हमारा कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है, एज वेल एज नेशनल इनकम के साथ साथ हमारा जो पर कैपिटा इनकम होता है, इसको पब्लिश करने का जो काम था, यह काम किसको दिया गया था? CSO को, सेंट्रल एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन को। अब एक और पार्ट हमारे पास बच गया, NSSO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? इसका होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई? NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1950, इसकी स्थापना 1950 में की गई। क्लियर हो गया? अब ये दोनों जो संस्था थे, दोनों इंस्टीट्यूशन जो थे, ये दोनों इंस्टीट्यूशन से जो कार्य प्रणाली थे, दोनों की जो फंक्शनिंग थे, दोनों डिफरेंट थे। एक जो था वो राष्ट्रीय आय को बताता था, प्रति व्यक्ति आय को बताता था, और एक की जो कार्य थी NSSO का, इसका काम था सर्वे करना। इसका काम क्या था? सर्वे करना। अरे सर्वे किस पे करता था? यह सर्वे कर करके बताता था कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, क्लियर हो गया? हमारे यहाँ बेरोजगार कितने हैं, देश में पुअर लोग कितने हैं, देश में इलिटरेसी जो होती है कितनी है, साथ ही साथ जो हमारे पॉपुलेशन होता है, ये सारे, यानी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये दोनों को यदि हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं, इसके अलावा जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ सर्वे होती थी, ये सारे सर्वे करने का कार्य किसको दिया गया था? NSSO को। एनी प्रॉब्लम? तो आपसे यदि एक तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन होता है, बेरोजगारी जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उस पर जो सर्वे करता है, वह सर्वे करने का कार्य कौन करता है, तो क्या जवाब देंगे आप? NSSO। क्लियर हो गई? तो इस तरह से हमारे पास दो संस्थाएं थी, देर वर टू इंस्टीट्यूशन, और दोनों इंस्टीट्यूशन का काम था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शन इन कंट्री, यानी देश में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को दोनों करते थे। वन हैज अ फंक्शनिंग एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम टू एमुलेट एज वेल एज वी कैन मेक द परसीविंग, वेयर एज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इट हैज द वर्क टू फंक्शन ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे, लाइक कितने हमारे पास पॉपुलेशन हैं, कितने उस पॉपुलेशन में बेरोजगार हैं, जैसे आप माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो अब तो हमारे यहाँ नीति आयोग सब करती है, ये सारी जो चीजें थी जो सर्वे करने का जो प्रक्रिया, एक्चुअली इसमें हम बात करूं, यह आपको लगभग 2012 या 13 का एक रिपोर्ट आती है, इन 2012 या 13 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि यदि इंडिया के कोई स्टूडेंट एक घंटा स्टडी नहीं करता है तो उनसे 10,000 स्टूडेंट उनसे एक्सटेंड कर जाते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं। जीट ओके? एक घंटा आप यदि पढ़ाई छोड़ते हो तो आपसे 10,000 बच्चे आगे निकल जाते हैं, मतलब समथिंग यू आर नॉट नोन ऑफ इट बट डिफरेंट स्टूडेंट हु हैज अटेंडेड द क्लासेस या हु हैज कंटिन्यूड देयर स्टडीज, दे गॉट डिफरेंट स्टडियल थी, दे वर वेरी बेनिफिशियल फॉर दी करियर। हो गया ना? तो हम कह सकते एक घंटा में आपसे 10,000 स्टूडेंट आगे निकलते, तो मान लो कि एक दिन आप शादी विवाह, मामा के शादी विवाह में आप जाते हो और एक दिन पूरा पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपसे कितने लोग आगे निकलते होंगे? तो क्या आपको इस तरह से कार्य करनी चाहिए? सो व्हाट्स योर ड्यूटी, व्हाट्स योर वर्क? यस, कंसंट्रेट टू द स्टडी, यही है ना? हमें भी दुनिया को सबको छोड़ करके चलना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं करना कि सर ये जानबूझ के ऐसे एक रिपोर्ट बता रहे हैं, ठीक है?
हम अपनी तरफ से जानबूझ के रिपोर्ट नहीं बताई, एनएसएसओ का सुने का रिपोर्ट था, ठीक है। तो ये दोनों ही जो संस्थान थी, दोनों संस्थान का कार्य अलग अलग थी, क्लियर हो गई। लेकिन दिस वॉज द पीरियड, एक समय आता है जब हम 2005 की बात है, 2005 की बात करें, ठीक है। तो 2005 इसमें क्या हुआ कि एक कमेटी बनी, वह कमेटी जो बनी वो सुरेश तेंदुलकर, यू नो सुरेश तेंदुलकर के नाम आपने सुना होगा। तो सुरेश तेंदुलकर एक कमेटी बनी थी, और जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी इनके रिकमेंडेशन थी, और इस रिकमेंडेशन के आधार पर हमारा जो सीएसओ था, सेंट्रल स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसको नाम दे दिया गया एनएससी। क्या नाम दे दी गई? एनएससी, नेशनल स्टैटिकल कमिटी नाम दी गई, या कमीशन कह सकते हैं, क्लियर हो गया। तो उन्होंने इसको नाम बदल करके एनएससी कर दिया। मतलब अब हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या हो गए, अब हम कमीशन आ गए, आ गया ना। लेकिन फाइनली हम कह सकते हैं, अगले स्लाइड में देख सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का काम था किसी भी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लाइक दैट हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी, व्हाट द स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, हाउ वी कैन अवेयर द पीपल दैट वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, क्लियर हो गई। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कमीशन, इट मीन टू से इट कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑन द बेस ऑफ रूल्स एंड मेथड बाय विच वी कैन एडमिनिस्ट्रेशन, वी कैन इम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन, इज इट ओके। So there were two forms by which we can identify that what is the particular answer in question. In that period we were organizing only, by which we are making the perceiving to the people by which we can control things. If you are doing or not, it depends on you. Mean to say just you have to follow all the duties. But whenever we are talking about on the basis of different activities like that, no, if you have to stay in country, just we must carry our life with the administration and rules. Is it okay? So this was identified on the basis of ऑर्गेनाइजेशन और कमीशन, ओके, या यू कैन से लॉफुल, ओके। तो आफ्टर दैट, इसके बाद हम देख सकते हैं कि अंततः क्या हुआ कि जो हमारा सीएसओ था, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन थी, और एक हमारे जो एनएसएसओ था, है ना, एनएसएसओ। अब क्या होता है कि दिस वॉज द पीरियड, और पीरियड हमारा आता है 23 मई, कब आता है 23 मई 2020, यानी 23 मई 2020 को हमने देखा कि बोथ वर, यानी सीएसओ एंड एनएसओ बोथ वर मर्ज, दोनों को क्या कर दी गई, मर्ज कर दिया गया, क्लियर हो गई। दोनों को कब मर्ज किया गया, 23 मई 2020, यानी 2020 को इसको मर्ज कर दिया गया, और मर्ज कर करके एक नई संस्थान का गठन किया गया है, और वह संस्था का जो नाम है बाबू, उस संस्था को हम लोग बोलते हैं एनएसओ। क्या नाम दिया गया है, एनएसओ, व्हाट्स द फुल फॉर्म, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, इज इट ओके। यानी पहले हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने देखा कमीशन, अब हमने क्या नाम दे दिया है, यानी अब हमारे पास दोनों संस्थाएं हैं, क्या अब है दोनों संस्था, यानी दोनों संस्था को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद हमारे पास कौन सी संस्था बच गई, तब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीएसओ और एनएसओ को मिलाकर कौन से नया संस्था का गठन किया गया। क्या जवाब देंगे आप, एनएसओ, व्हाट्स द फुल फॉर्म, व्हाट ओ स्टैंड्स फॉर, ऑफिस, और उसमें क्या था हमारा, ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हो रही है, आर यू गेटिंग, समझ आ रही है, झूठ नहीं बोल रहा है, अच्छा ठीक है, आपको समझ आ रही है, चलो। तो अभी दोनों संस्था कब से दोनों को मर्ज कर दिया गया, 23 मई 2020, इज इट ओके। और अब ये दोनों मिलकर, इसके पीछे रीजन थी, जो कमेटी थी, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और कहा कि दोनों जो अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, दोनों जो सेपरेट अपना फंक्शन कर रहे हैं, ये सेपरेट फंक्शन करने के कारण बहुत ज्यादा इसमें क्या हो रही है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी खर्च हो रहा है, नहीं क्लियर हो गई। इसलिए दोनों संस्था को एक साथ मर्ज कर दिया जाए और दोनों मिलकर ये काम करेंगे, इज इट ओके। और अब क्या हो गई कि दोनों संस्था को मिला दी गई, अब हमारे पास एकमात्र संस्था बच गई जिनका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, इज इट ओके। अब क्या होता है कि जब हम सीएसओ की बात करते हैं, तो सीएसओ की जो गठन हुई थी 1951 में, उस समय से एक प्रत्येक साल, एवरी ईयर कह सकते हो, ठीक है, एवरी ईयर, प्रत्येक साल यह एक पब्लिश रिपोर्ट करती है, एक पब्लिश रिपोर्ट करती है, इज इट ओके, फाइनेंशियल ईयर का एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट का आपसे एग्जाम में पूछेगा, उस रिपोर्ट का क्या नाम था, इस रिपोर्ट का नाम है व्हाइट पेपर। क्या नाम है, व्हाइट पेपर, ये एग्जाम में बार बार पूछेगा,
आप इसको याद रखिएगा कि CSO की जब गठन हुई थी 1951 में, तो 1951 से ही लगातार प्रत्येक साल यह एक रिपोर्ट बताती है, और उस रिपोर्ट में यह सरकार का जो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है, सरकार कितने चीजों को गेन किया, कहां पर कंट्रीब्यूशन दे रही है, ये सारे जो रिपोर्ट तैयार होते हैं, रिपोर्ट को वह जो पब्लिश करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाइट पेपर, इज इट ओके। अब क्या होता है कि CSO और NSSO जब दोनों संस्थाएं बने, तो दोनों संस्थाएं बनने के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास जैसे हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे प्लानिंग कमीशन हमारा क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो जब हमारे पास NSSO का गठन हो गई, CSO का गठन हो गई, ये सभी जब गठन हुए तो हमारे पास एक चुनौती थी कि आखिर देश में जो हमारे पास सबसे ज्यादा आबादी है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी सबसे ज्यादा है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है, ऐसे चुनौतियों से कैसे बचा जा सके। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद हमने देखा कि ज्यादातर जो हमारे पास फर्टाइल जो क्षेत्र था, फर्टाइल मिंटू से कि जहां पर अच्छी कृषि किया जा सके या कर सकते हैं, जहां अच्छी हमारा पैदावार हो सके, ओके, तो वह क्षेत्र जो था पंजाब वाला जो क्षेत्र था, वह पंजाब का क्षेत्र कहां चला गया था, पाकिस्तान में चला गया। तो अब माइनस की बात, हमारे पास एग्रीकल्चर करने वाला जो क्षेत्र थी वह बहुत कम मात्रा में रह गई, ओके। और इतनी बड़ी जनसंख्या, जब भारत पाकिस्तान जब दोनों बंटवारा होते 1947 में, इन्फ्लक्स ऑफ पीपल दे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया से भी बहुत ज्यादा जनसंख्या वहां गई, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या आई यदि हम दोनों से कंपेयर करते हैं तो भारत और पाकिस्तान में, इजिट ओके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन जो इकोनॉमी थी, इस इकोनॉमी से उनका एक बहुत बड़ा बढ़े नाना शुरू हो गया। अब ये चुनौती हो रही थी कि ऐसे जनसंख्या को कैसे फुलफिल किया जाए, तो उसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के नियमावली बनाना शुरू करें, बहुत सारे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को लाना शुरू किया, और उसी दौरान हम कह सकते हैं कि सबसे पहले 1949 यानी 1948 to 1949 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इट इज ओके। आप देख सकते हैं हमने दो साल को ले रहा हूं, इससे पहले भी हमने दो साल को लिया था, अभी भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कौन सा चल रहा है, 2022-23 चल रहा है, दो साल होता है। एक इस क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में दो साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर क्यों चलता है, व्हाई वी अडॉप्टेड टू इयर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्यों लिया जाता है, कारण क्या है, कोई बता सकते हो? सबसे पहले कौन सी कैलेंडर पर आधारित है, पहला क्वेश्चन पूछा है, गॉर्जियन या ग्रेगोरियन, गलत बोल रहे थे ना, तो ये हमारा कैलेंडर बेस्ड है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक कैलेंडर बेस्ड है, किस कैलेंडर पर आधारित है, तो इसको याद रखेंगे ग्रेगोरियन, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हमारा कौन है, फाइनेंशियल ईयर है, इज इट ओके। अब हमारा जैसे मान लो अभी हमने बात किया कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 है और 2023 है, क्लियर हो गई। अब आपके भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, सर 22-23 क्यों, चलो 22 तो चल रहे हैं तो समझ जाते, 23 क्यों, ये भी तो क्वेश्चन होगा। तो देखो ये जो 22 हमारा चल रहा है ये हमारा करंट ईयर है, और 23 जो है ये हमारा अपकमिंग ईयर है, अपकमिंग ईयर है, क्लियर हो गई। अब क्या होता है, हमारे पास दो रिपोर्ट आते हैं, एक होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, नाम सुना है आप, एक होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे और एक हमारा होता है बजट, दो वर्ड आते हैं। यदि देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बजट वर्ड हैज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112। भारत के संविधान आप पढ़ते हो तो भारत के संविधान का आर्टिकल यदि आप 112 पढ़ते हो, 112, तो वहां पर इन प्लेस ऑफ बजट व्हाट हैज बीन मेंशन्ड, वहां पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं की गई है। लेकिन हम लोग अक्सर बजट बोलते हैं, तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि क्या भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल है, क्या जवाब आप देंगे, नो, क्या लिखा है उसके जगह पर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन विच आर्टिकल इज हैज बीन रिटेन, 112, क्लियर हो गई। तो अब देखो यहाँ पर दो है, एक हुआ हमारा इकोनॉमिक सर्वे, एक हमारा हुआ बजट, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल देखा। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब हुआ कि जो पिछले साल हमने प्लान तैयार किया, जो हमने फिनांस कह सकते हैं एलोकेट किया, पैसा जो हमने अमाउंट एलोकेट किया, उसमें हमने कितना पाया कितना खोया, क्लियर हो गई। तो वो उसका जो हमारा कंप्लीट जो लेखा जोखा होगा
पिछले साल एक साल में हमने क्या किया, ये तो हमारे पास उसका रिपोर्ट होगा ना। उस रिपोर्ट को जो हम दिखाते हैं वह रिपोर्ट हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक सर्वे। और आने वाले जो हमारा ईयर होगा उसके लिए हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या क्या प्रोविजंस ला रहे हैं, वे प्रोविजंस को हम लोग क्या कहते हैं, बजट। मीनिंग क्लियर हो गई। तो जैसे 2022 चल रहा है तो 22 में जो पिछले साल हमने बजट पेश किया, पिछले साल जो बजट पेश किया उसका जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे कि पिछले साल हम शिक्षा में कितना कर लिए, एक साल हुआ ना हमारा, तो पिछले साल से अभी तक हमने देखेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में हमने एजुकेशन में, मान लिया जाए कि हमने एजुकेशन पे कहा कि सबसे ज्यादा खर्च करेंगे, तो क्या हमारे एजुकेशन में इसमें सरप्लस हुआ, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। हेल्थ सेक्टर देखें, जितने भी हमने खर्च किया उसमें कहां कहां समस्याएं आई, वे सारे रिपोर्टों को हम इस सर्वे में बताएंगे कि यहां यहां समस्याएं, यहां पर हमने फुलफिल नहीं कर पाया। और फिर आने वाला जो साल होगा उसके लिए एक नया रिपोर्ट जो तैयार करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, बजट कहलाएगा। क्लियर हो गई। तो एक हमारा सर्वे होता है, एक हमारा बजट होता है। तो बीते हुए साल का जो हम डेटा एक्सपेक्ट करते हैं, डेटा को दिखाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वे। और जो आने वाले साल के लिए, आने वाले साल के लिए जो हम प्रेडिक्ट करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हमको करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, बजट। मीनिंग क्लियर हो गई। इसीलिए बजट आगे जाकर के हम लोग फिर पढ़ेंगे तो डिफरेंट वेज में टूटेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे क्या होता है। तो वह हुआ कि 1948 टू लेकर के 1948 में हमने देखा कि एक नई कमिटी का गठन हुआ था। वह था नेशनल इनकम कमिटी, याद रहेगा, नेशनल इनकम कमिटी एक संस्था का गठन किया गया। ये जो नेशनल इनकम कमिटी थी इसका जो चेयरमैन बनाया गया, यह चेयरमैन बनाया गया पीसी महालिनोविस को, पीसी महालिनोविस को। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि पीसी महालिनोविस का पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालिनोविस, याद रहेगा, महालिनोविस। से बीपीएससी में आपका पूछा हुआ है कि पीसी महालिनोविस का पूरा नाम क्या था। क्लियर हो गई, पूरा नाम याद हो गया। तो पीसी महालिनोविस का पूरा नाम हुआ प्रशांत चंद्र महालिनोविस। और पीसी महालिनोविस कौन थे, तो यह उस समय जो थे, कह सकते हैं आप प्रोफेसर, कह सकते हैं प्रोफेसर, कह सकते हैं यह हेड थे। किसकी हेड थे, आईएसआई का। आईएसआई समझते हो, आईएसआई का दो तीन मीनिंग होता है, एक आईएसआई तो सीरिया वाला होता है, एक आतंकवादी संगठन है, और एक आईएसआई पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है, जिस तरह से भारत का रॉ है। लेकिन इंडियन आईएसआई का मतलब होता है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। क्लियर हो गया। अरे यह जो इंस्टीट्यूट थी वो कहां पर थी, कोलकाता में था। कहां पर था, कोलकाता में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी आईएसआई, या पहला क्वेश्चन कि पीसी महालिनोविस कौन थे, नाम याद हो जाएगा। ये उस समय कहां पर थे पोस्टेड, यानी देश आजाद होने के बाद हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी इकोनॉमिस्ट को ढूंढ के लाना। क्लियर हो गया। और उस इकोनॉमिस्ट को हम ढूंढ के जो लाए, और इकोनॉमिस्ट कौन थे, प्रशांत चंद्र महालिनोविस। इनको खुद हमारे उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीएम नेहरू जी जो थे, उन्होंने खुद इनको ढूंढ के लाए, उनके सामने चुनौती को रखे कि भारत का हमारा इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप हो सकता है, बताइए। आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि हमारा जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था, सेकंड फाइव ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट तैयार की गई थी, इन्हीं के मॉडल का तैयार की गई थी, इसलिए सेकंड फाइव ईयर प्लान को हम पीसी महालिनोविस मॉडल ही कहते हैं। सुना होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पीसी महालिनोविस साहब को लाया गया, इनकी अध्यक्षता में, इनकी चेयरमैनशिप में हमारे यहाँ नेशनल इनकम कमेटी का गठन हुआ था 1948-49। क्लियर हो गई। और इस आधार पर हम कर सकते हैं कि देश में नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, ये सारी गतिविधियों पर हमने काम करना शुरू कर देते हैं। ओके। अब पीसी महालिनोविस भारत में दो तीन क्वेश्चन से और रिलेटेड हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ जो नेशनल स्टैटिकल डे मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिकल डे मनाया जाता है, तो भारत में नेशनल स्टैटिकल डे कब मनाया जाता है तथा किनके नाम पे मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे। इनका बर्थडे है 29 जून, याद रहेगा 29 जून आता है पीसी महालिनोविस का बर्थडे। इज इट ओके। उस बर्थडे के दिन हम लोग क्या मनाते हैं,
राष्ट्रीय यानी भारत में नेशनल एस्थेटिकल डे मनाते हैं। इजिप्ट ओके वर्ल्ड में सबसे पहली बार कब मनाई गई तो 2010 में। इजिप्ट ओके तो कुछ इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले आप बताएं यहाँ पे सभी को क्लियर है या नहीं, यस या नो, फटाफट जवाब आप दीजिएगा। फर्स्ट पेज यहाँ है, एनी प्रॉब्लम? लिखेंगे ऐसे ही, सो प्लीज। तो जैसे 1905 में आपने देखा था कि बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन होने के पीछे एकमात्र रीजन थी, अंग्रेज को यह महसूस हो चुका था कि यदि देश को भारत में राज करना है तो हमें यहाँ के जो रिलीजियस लोग हैं इनको पहले कम्युनल आधार पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना और डिवाइड करना होगा। और उन्होंने डिवाइड क्या किया कि जो बंगाल से इधर यदि हम पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं का था, और उधर वाला जो क्षेत्र था, सिलचर का नाम सुना है आप लोग, असम में एक सिलचर डिस्ट्रिक्ट है, सुना है? तो सिलचर से लेकर के चाहे हम बांग्लादेश की बात करते हैं या पूर्वी हम बंगाल की बात करते हैं, वहां पे जो जनसंख्या थी ज्यादातर मुस्लिमों की थी, लगभग 80% प्लस मुस्लिम थे, और इधर लगभग 80% जो थे वो हिंदू थे। अब उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम को दो भागों में बांट दिया, और बांटकर उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। जब उससे पूछा गया कि बंगाल विभाजन क्यों किए तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा कारण था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बड़ा क्षेत्र था, कि उस समय का जो बंगाल थी उस बंगाल में आपका बांग्लादेश था, उसमें बिहार था, उसमें आपका उड़ीसा था, क्लियर हो गई? ये सारे क्षेत्र इसी में आया करते, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट इस आधार पर तोड़ना था कि हम कम्युनल यहाँ पर रिवोल्ट करेंगे, लोगों को आपस में खासतौर पे सामुदायिक विचारधारा पे हम बांटेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं थी, बल्कि मेरा कारण था कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में जो प्रॉब्लम थी इसके आधार पे हमने बांटा। फिर आपने देखा 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुई तो बंगाल के टाउन हॉल में आपने सुना होगा हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके एकता का परिचय दिया, मुस्लिमों ने हिंदुओं को राखी बांधा, हिंदुओं ने मुस्लिमों को राखी बांधा, सुना है? इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो? और वहां पर हमने रक्षाबंधन मनाया था 1905 में, और 1906 से लेकर 1911 तक हम स्वदेशी मूवमेंट अपनाया, जिसको हम लोग स्वदेशी मूवमेंट मिंटू से इन विच वो जो हमारा पीरियड थी उसमें अंग्रेजों के चाहे शिक्षा हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उनके कोर्ट्स थे, उनके जो पोशाक थे, कपड़े थे, जिससे हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बनी हुई थी, उनके पेपर्स थे, वे सारे चीजों को हमने बाइकॉट करना शुरू किया, यानी कह सकते हैं कि बहिष्कार करना शुरू किया। और उसी के दौरान जॉर्ज पंचम का आपने नाम सुना होगा, तो जॉर्ज पंचम जो थे, इसमें आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो बड़ा मजेदार इस समय का इतिहास है। तो जॉर्ज पंचम जो थे, जब वह राजा बनने वाला था तो उसका भी एक चिंता कर सकते हो, एक सपना था कि हमारा जो राजा अभिषेक होगा यानी राजा का जो मुकुट पहना जाएगा वो हम इंडिया में ही पहनेंगे, तो उसका ये माइंड में सेट था कि हम राजा अभिषेक जब भी कराएंगे तो इंडिया में कराएंगे। लेकिन अब बंगाल आ नहीं सकता, कलकत्ता हमारा सेंट्रल जोन था, और सेंट्रल जोन में स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, हम अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे, पूरा हिंदू मुस्लिम एकता का हम परिचय दे रहे थे। अब अंग्रेज को उस समय का जो हमारा वायसराय था उसको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर लाने का मतलब खतरा तय है, उन्होंने क्या किया उस दौरान, उन्होंने कलकत्ता में नहीं अधिवेशन कराया, कलकत्ता में जॉर्ज पंचम का उन्होंने राज्याभिषेक नहीं करा करके दिल्ली लेके गया था। जब दिल्ली लेके गया तो चांदनी चौक का आपने दिल्ली में नाम सुना होगा, तो चांदनी चौक से जब उसका बढ़ रहा था काफिला या कह सकते रथ, ठीक है, तो जब वो रथ बढ़ रहा था तो बीच में पटाखा छूना शुरू हो गया। पटाखा समझते हो, जो भारत के आंदोलनकारी थे, जो देश कह सकते हैं प्रेमी थे, जो बंगाल विभाजन से बहुत ज्यादा दुखी थे, उन्होंने उसका बहिष्कार, कोई काला झंडा दिखा रहा था, कोई बम फोड़ रहा था, कोई गोलियां छोड़ रही थी, तो दो चार बार पहले बार जब पटाखा छूटे, मतलब तो पटाखा नहीं बम को कम पावर की थी, तो जब जॉर्ज पंचम ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा आपका स्वागत में किया जा रहा है, बस उसके कान के बगल से जब गोली गुजरना शुरू हुआ तब पूछा अब क्या हो रहा है, तब उसको बताना पड़ा, जॉर्ज वायसराय को बताना पड़ा जॉर्ज पंचम को कि बात ऐसा है। अंत में 1911 में आपने देखा होगा जो दिल्ली दरबार लगी थी, वही दिल्ली दरबार में आपने देखा कि बंगाल विभाजन को रिटर्न लिया गया था, वापस लिया गया था। वही 1911 का हिस्ट्री है कि जब सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, जो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका उनका चेयरमैन बनाया गया था। अब इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि उनको जो चेयरमैन बनाई गई थी वह उनको सीनियर सिटीजन के आधार पर बनाई गई थी। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया था, सीनियर सिटीजन का कंसेप्ट कहां से लिया था? ये यूपीएससी ने पूछेगा, अब पूछा हुआ है कि भारत में सीनियर, हम लोग कहीं भी जो सीनियर सिटीजन होते हैं अभिभावक रूप में होते हैं उनको हम सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी देने का कॉन्सेप्ट विश्व में कहां से शुरू आपको माना जाता है? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, इज इट ओके? और वहीं से ही हमने कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। तो जब सच्चिदानंद सिन्हा साहब जा रहे थे बैरिस्ट्री करने, तो जिस ट्रेन में बैठे हुए थे वहां पर अंग्रेज लोग बैठे थे, आपस में तो गपाश्टिंग कर रहे थे, गपाश्टिंग समझते हो ना, गपाश्टिंग हो रही थी कि यार अब हम लोग बहुत लंबे समय तक इंडिया में स्टे नहीं कर सकते, क्यों? मैं भी बंगाली हैं, अब कहेंगे ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कारण क्या है भैया? तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया में बंगाल के जो लोग हैं, बंगाली जो लोग हैं, वो अब हम लोग को बहुत स्टे लंबे समय तक नहीं हुए, वो हमारा मूवमेंट कर रहे हैं, वो हमारा विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अभी बेचारे बिहारी एक बगल में थे जो जा रहे हैं बैरिस्ट्री करने, पेरिस जा रहे थे। ये सुनते 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 इनको लगा कि यार केवल बंगाल से कुछ चिंगारियां निकलती है और उसको आग में तब्दील बिहार से होता है, बिहार से होती है, यूपी से होती है, जाके महाराष्ट्र तक पहुंचा देते हैं, मात्र बंगाल से चिंगारी निकलती है, क्योंकि वो सेंटर जोन था। लेकिन आग का तो रूप हम दे रहे हैं ना, तो सब कर रहे हैं हम, मरा रहे हैं हम, लड़ रहे हैं हम, और नाम हो रहा है बंगाली का। अब तो बड़ा चुनौती बनी। सोचो उस समय कैसे ऐसे लोग थे, क्या क्या सोचते थे। उन्होंने कहा कि चलो हमको बैरिस्ट्री वरिस्ट्री नहीं करना, बहुत हो गया, अगला स्टेशन तो उन्होंने बुढ़िया बिस्तर के साथ रिटर्न घरे आ जाते हैं। माता जी पिताजी पूछे किया, तो कहे कि अब हो गए हमार बैरिस्ट्री केरल, ठीक है। और उस समय भारत की राजधानियां दो होती थी, एक दिल्ली होती थी, एक शिमला में होता, एक कलकत्ता, गलत, एक दिल्ली होती थी, एक कलकत्ता होता। हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ो, हर विषय पे उतना ही 100%, टेंशन मत लेना, थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो पकड़ लेंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो उस समय राजधानियां हमारे इंडिया का दो कैपिटल थी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती थी और एक शीतकालीन राजधानी कहलाती। अंग्रेज को गर्मी महसूस, गर्मी कट नहीं पाता था, तो जब गर्मी होती थी तो भाग जाते थे शिमला, और जब ठंडा पड़ता था तो आ जाते थे दिल्ली। और उस समय था साहब अप्रैल या मई का, उस समय सच्चिदानंद सिन्हा, आपको जानते हैं कहाँ के थे सच्चिदानंद सिन्हा? बिहार के थे, एक बिहारी सपे भारी कहा गया है ना, वो भी बिहार के थे, ज्यादा दूर के नहीं थे, यहाँ बक्सर, आरा बक्सर के थे, क्लियर हो गई। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी बैरिस्ट्री छोड़ा, रिटर्न आए, माता पिताजी को कहा कि हमको बैरिस्ट्री नहीं करना, हमको एक अलग राज्य चाहिए, क्योंकि सब काम हम कर रहे हैं और नाम हो रहा है दादा का, समझ आया? सब हम कर रहे हैं, आग हम लगा रहे हैं और बात हो रही है दादा का, इसलिए बात अब हमारी होनी चाहिए, क्योंकि दादा लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, केवल वो चिंगारी देते हैं, फैलाने वाला एक युवा करता है, युवा हमारा बिहारी है। उन्होंने कहा कि अब हम चले, उन्होंने 36 पेज का आवेदन लिखा। सोच लो भैया, आज तो हम लोग एक पेज में पसीना आ जाती है, सर इतना लिख पाइएगा? उन्होंने 36 पेज लिख दिया। तुरंत शिमला पहुंच जाते हैं, वायसराय को कहते हैं जस्ट आई वॉन्ट अ स्टेट सेपरेट फ्रॉम बंगाल, हमें बंगाल से एक अलग राज्य चाहिए। पहले तो अंग्रेजी बात को माना नहीं, कहा कि यार कैसे तू सनकी आदमी वो आ गए हो, कहा कि व्हाट हैपेंड आई डोंट केयर, क्या होता मुझे कुछ नहीं आता है, बट आई वांट बिहार स्टेट सेपरेट फ्रॉम बंगाल, दादा से अलग कर दो, ओके, मतलब हमको सेपरेट कर दो। अंततः अंग्रेजों ने बात को माना। वही हमने देखा कि फर्स्ट टाइम इट वॉज अनाउंस्ड, पहली बार अनाउंस किया गया 22 मार्च 1911 का दिन था, जिस दिन ने अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया, स्वीकार किया कि बिहार विल बी अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम बंगाल, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन फाइनली बिहार वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूशनली कर सकते हैं सेपरेट फ्रॉम बंगाल कर सकते हैं, वह हुआ हमारा 1 जनवरी 1912 को, अनाउंस कब हुआ? 22 मार्च को। इसीलिए हम बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ऐसे हमें रियल जो ऑफिशियली घोषणा हम कहें तो ऑफिशियली तो हम 1 जनवरी 1912 को होगा, लेकिन हमारी अनाउंसमेंट जिस दिन हुआ उसी दिन से हम मानते आ रहे हैं कि हम अलग हो गए थे। तो जब हम 1911 के 22 मार्च में अनाउंसमेंट हुआ तो अनाउंसमेंट में आया कि बिहार के साथ बंगाल भी होगा, सॉरी बिहार के साथ उड़ीसा भी होगा, क्लियर हो गए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उड़ीसा जो थी बिहार से अलग होगा, 1936 में अलग हो गया, क्लियर हो गई।
और फिर आपने देखा कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। क्लियर हो गई। तो रियल वे में यदि देखा जाए तो बिहार को एक ऑफिशियल या कंप्लीट स्टेट की जो दर्जा, जिसको हम स्टेटहुड कहते हैं, यह हमारा स्टेटहुड रियल देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद मिलता है। आपके पास बहुत सारे अधिकार मिल गए सरकार बनाने का, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे राज्य की जो एक अधिकार होती है, प्रिविलेजेस होती है, यह रियल जो हमारा मिला 1936 से मिला। क्लियर हो। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मिला। तो ये इस दौर में हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कार्य हुए हैं साहब, जिसको कहा नहीं जा सकता। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाए, आगे हमें पढ़ाना भी है। केनरा बैंक के नाम सुने हो, बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नाम सुना है, सीबीआई का नाम सुना है, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे जितने भी हम आपको बैंक के नाम बताया, ये सारे बैंक की स्थापना हुई थी ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी उस समय हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे, लाला लाजपत राय हो, चाहे हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें, जितने भी थे जो देश हित या देशभक्ति की बात करते थे, उन्होंने देश में घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया कि हम कब तक अंग्रेजों की गई कर्तव्यों पर, उनकी बनाई गई इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंसी बनाए रखेंगे। इसलिए हमें अपने इंस्टीट्यूशन गठन करना होगा, अपने संस्थान गठन करना होगा। और इसमें भिन्न भिन्न चीजें हुई, जैसे बिहार एक अलग हुआ, फिर कलकत्ता से राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, है ना। उसके बाद ज्यादातर भारत में जितने भी बैंक का स्थापना हुआ, यही स्वदेशी मूवमेंट जो 1906 से 1911 का दौर चला, इसी में से हुई। तो इस ये जो पीरियड थी, या पीरियड भारत के इतिहास में बहुत बड़ी पीरियड रही है, जो इकोनॉमी पॉलिटी सब जगह जुड़ते जाता है। ओके, आगे बढ़ जाए, कितना याद रहेगा पक्का। अच्छी बात है, तो देखता हूँ कितने दिन याद होता है। आज आप लोगों को समझ में आ गया कि बिहार कैसे अलग हुआ। मतलब पहले के लोग ऐसे थे एक चीज के लिए कुछ भी कर सकते थे। आज हम लोग अपने मामा के यहाँ शादी में जाने के लिए पढ़ाई छोड़ देते थे, और उस समय देश को आजाद होने के लिए जयप्रकाश नारायण ने अपने लोग की पढ़ाई छोड़ दिया था। 8 दिन बचा था, इन्होंने कहा छोड़ परीक्षा, चलते हैं देश की आजादी में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कूद पड़ा, और हम लोग देशभक्ति में नहीं टूटते हैं। जब गोली सरकार कहेगी हथियार उठाना है, तो नहीं भैया हम आ जाएंगे, चलते हैं मामा के साथ, ये ठीक रहेगा, बच जाएंगे। सोचो पहले के लोग कैसे थे। और जयप्रकाश नारायण से और आगे बढ़ी उनकी वाइफ जयप्रभा देवी, जो भारत बिहार के महिलाओं को एकजुट बनाई और अंग्रेजों को बहिष्कार की। और वह एक ऐसी महिला थी जो जयप्रकाश नारायण को जागने से पहले जागती थी, वह ऐसे जागती थी कि एक आवाज न हो कि जयप्रकाश नारायण को नींद में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनको पता था कि इंसान जब जागेगा तो इसका नया दिन होगा, और इस दिन इसको कुछ नया काम करना होगा, इसलिए उसको नींद में किसी तरह का हालात नहीं होना चाहिए। और उनको 7 बजे उनके बेंच पर खाना मिल जाता था। सोचिए वो उनकी वाइफ जयप्रभा देवी कब सोती होगी, कब जागती होगी, उनको 7 बजे उनके बेंच जो डाइनिंग टेबल होता था, लंच टेबल होता था, उस पर उनकी नाश्ता तैयार होता था। जयप्रकाश नारायण जागते थे, नाश्ता लिए, फिर अपने फील्ड में निकल गए, और वो उधर से निकले, उधर पीछे से उनकी वाइफ जयप्रभा देवी भी नेतृत्व करने के लिए निकल गई। ऐसे ऐसे पहले के लोग, ऐसे थोड़े भारत आजाद हुआ, भारत 1857 में आजाद हो गया होगा, उससे भी पहले प्लासी के युद्ध में ही आजाद हो गया होगा, 1757 में ही हम आजाद होते, लेकिन हमारी एकजुटता नहीं थी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो आज कौन सी गद्देदारी नहीं है दादा, आज कौन सी, तो और हम गद्देदार हो गए हैं। आज तो हम आतंकवादों को घर में बैठा के खिलाते हैं, उससे ज्यादा गद्देदार आज हो गए हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई ना। चलो देखो, ऑन 23 मई अगला पॉइंट लिखेंगे, 2-3 आप नाम लिखिएगा, एक टेबल को आपको याद कर जाना होगा, ठीक है। जैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम कर रहे हैं, है ना, किसने कितना प्रेडिक्ट किया, तो नेशनल इनकम में हम लोग अगले रिपोर्ट एक देखेंगे एक टेबल में कि कितने व्यक्ति को रिपोर्ट इसमें आती है, कहां कहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहला लिखेंगे प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हो गया। तो इसमें सबसे पहला हम लिख लेते हैं, सीरियल नंबर कर लेंगे, उसके बाद गेस करने वाले कौन हुए, यानी प्रेडिक्टर,
इसके बाद ईयर, देन नेशनल इनकम इन करोड़, देन पर कैपिटा इनकम इन रुपया, देन पर कैपिटा इनकम इन रुपीज। इज इट ओके? तो फर्स्ट नाम क्या लिखेंगे हम? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट दादा भाई नौरोजी। ईयर क्या था? 1867 to 68। नेशनल इनकम कितनी थी? 340 करोड़। पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 20 रुपीज। वन क्लियर? सेकेंड नाम आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का पीरियड ऐसे आपने देखा होगा, बंगाल विभाजन तो आप इससे पढ़े होंगे, पढ़े थे ना? तो लॉर्ड कर्जन का जो पीरियड लिखे 1897 to 98 लिखेगा। इसमें एक डेटा पूरा कंप्लीट एक जगह हम कर देते हैं, इसमें लिखेंगे 1897 to 98। हो गया? इस समय जो राष्ट्र का हमारा इनकम था 675 करोड़ थी, और जो पर कैपिटा इनकम थी वह मात्र 30 रुपया था, मात्र 30 रुपया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, थर्ड जो होगा नाम उसमें होगा विलियम डिग्री का। विलियम डिग्री, विलियम डिग्री, यह था 1899। इस समय देश का आय जो थी 360 करोड़ थी, और जो पर कैपिटा इनकम था मात्र 17 रुपया था। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, फोर्थ में आपका होगा फिनले सिराज। फिनले सिराज, ये फिनले सिराज जो था यह था 1911, जब बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। 1942 करोड़, 1942 आंदोलन याद कर जाइए, और 1980 में से 80 हटा कर लीजिए, 80 रुपया हो गया। पांचवा होंगे डॉक्टर वी के आर वी राव, वी के आर वी राव। यह था पीरियड इनका 1931 to 32। नेशनल इनकम जो थी 1689 करोड़ था, और प्रति व्यक्ति जो था वो 62 रुपया था, 62 रुपीज। अब इसमें आपको एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, तीन चीज को ना याद रख लीजिएगा, ओनली फॉर टू या थ्री पॉइंट। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, ओके, देन जी के आर वी राव, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लॉर्ड कर्जन का भी आता है, कभी कभी पूछ देता है, ओके। तो ये टेबल आपको याद हो जाएगा सबको, तो ये पांच लोगों का जो है आपको टेबल को सबसे पहले याद करना होगा, ओके। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और आएगा, यहां तक सबको है क्लियर? अब हमारे यहां एक बेस ईयर होता है, जैसा कि देखा जाए तो अभी तक यदि देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में, खासकर नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो नेशनल इनकम में जो हमारा बेस ईयर है, ये बेस ईयर को 8 टाइम चेंज किया गया है। कितने टाइम? 8 टाइम हमारा चेंज हुआ है। अब ये 8 बार कब कब हुआ? अब सबसे पहले बेस ईयर होता क्या है? आप किसी भी एक्टिविटी को करते थे कि बेस मान लेते हो कि चलो हम इतने साल तक ये चीज को लेकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर में भी एक बेस को माना जाता है। और पहला जो बेस ईयर था हमारा 1948 to 49 था, जिसमें हम देखा कि नेशनल इनकम कमेटी का गठन हुआ। इज इट ओके? तो 1948 to 49 जो है इसे हम बेस ईयर भी बोलते हैं, लेकिन बीपीएससी आपसे पूछा था कि इनमें से 8 जो बेस ईयर है उनमें से कौन से ऐसे बेस ईयर जिसको हम ट्रेडिशनल बेस ईयर कहते हैं, ट्रेडिशनल बेस ईयर कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो ईयर थी 1948 to 49 उसको हम लोग ट्रेडिशनल बेस ईयर कहते हैं। तो हम लोग बेस लिख लेते हैं, 8 बेस ईयर जो हमारा है, 8 बेस ईयर कब कब है, ठीक है? तो आप ऐसे लिखेंगे बेस ईयर, बेस ईयर पब्लिश्ड बाय सीएसओ,
अभी तक सीए को 8 जो बेस ईयर कंप्लीट किया है दिया है वो कौन कौन है साहब, तो इसमें भी हम सीरियल नंबर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं बेस ईयर। बेस ईयर ठीक है, तो फर्स्ट आप कौन से लिखेंगे बाबू लोग, फर्स्ट लिखेंगे 1948 to 49 पहला है, यानी हम इसको सीधे कर सकते हैं फर्स्ट हमारा बेस ईयर है। फिर हम क्या करेंगे सेकंड कर लेंगे, सेकंड इस तरह से हम फटाफट लिखते जाएंगे। तो सेकंड जो है 1960 से लेकर के 1961 है, थर्ड हमारा कौन सा है लिखते जाएंगे, तो 1972 to 71 को थर्ड, फोर्थ चौथा हमारा पंच कौन सी है, तो 1981 to 82 हो जाएगा। फिफ्थ कौन सी हो जाएंगे पांचवा, कभी कभी हमें पहले भी ट्रांसफर कर दिए हैं, इसमें हम 1993 से 1994 को लेंगे। सिक्स्थ जो होगा छठा, तो सिक्स्थ में हम लिखेंगे 1919 यानी 1999 कारगिल का युद्ध से 2000। सेवेंथ टोटल हमें 8 लिखना है, सेवेंथ में हो जाएगा 2004 to 2005। और जो एट्थ है ये हमारा है 2011 to 2012, यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ जो बेस ईयर में बदलाव किए गए हैं कितने बदलाव किए गए हैं, 8 टाइम्स। तो अभी हमारा जो इकोनॉमिक चल रहा है कौन से बेस ईयर में चल रहा है, आठवां, और वो पीरियड क्या है 2011 से 12। तो अभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करेंटली हमारा बेस ईयर कौन सा चल रहा है, तो क्या जवाब देंगे, लेकिन अभी हमारा 9th बेस ईयर आने वाली है उससे सरकार चर्चा कर रही है, जो 9th हमारा बेस ईयर होगा वह हो जाएगा हमारा 2014 to 2015। क्लियर हो गए, और इसमें आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो 1948 to 49 है इसे हम ट्रेडिशनल बेस ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल बेस ईयर बोलते हैं, याद रहेगा। तो आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि ट्रेडिशनल बेस ईयर इनमें से कौन है, आप क्या जवाब देंगे 1948 to 49 को हम ट्रेडिशनल बेस ईयर कहते हैं, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो हम उसको मान के चलते कि उस समय ऐसा हुआ था, आज इतना डेवलप किए तो कितना डेवलप किए, ये हमें डायरेक्ट कह सकते हैं मेजर करने में आसान हो जाती है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमारे पास जो बेस ईयर की कॉन्सेप्ट जो थी, ये बेस ईयर मुख्य रूप से भी अगर देखा जाए तो कितने बार हुए, 8 बार, 9th हमारा आने वाला है। इज इट ओके, अब हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्स के बेस पे बात करते हैं, कुछ और फैक्ट्स होगा, जैसे जो हमारा CSO है, तो CSO किसका है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये भारत सरकार की पार्ट है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पार्ट है साहब। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है तो जो सर्वे देती है या जो मेजर करती है या जो करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर का करती है, किसके करती है, ये ऑर्गेनाइज जितने भी हमारे पास सेक्टर्स हैं ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के रिपोर्ट को तैयार करता है। लेकिन पूरी भारत के इतिहास में एक 1977 का एक पीरियड आता है, 1977 का पीरियड आता है, जब हमारा CSO जो था वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी रिपोर्ट बताया था, उसका वित्तीय आय क्या है या उसका राष्ट्रीय आय क्या है। क्लियर हो गई, तो एक हमें पूरे यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मली इसका काम है ऑर्गेनाइज सेक्टर को रिपोर्ट तैयार करना, लेकिन पीरियड होता है 1977 में जब ये पहली बार यानी फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इन्होंने रिपोर्ट तय किया था, इसको लैंग्वेज लिखेगा NOT करके नोट करके लिखेंगे, पास हमें लिखेंगे CSO prepared the report economic of unorganized sectors। यदि आप चाहें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि अभी तक इन्होंने कितने बार इकोनॉमिक की क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है, क्वेश्चन आने वाला है नहीं, उसमें फालतू दिमाग लगाने से ठीक है नहीं। अब हम लोग आगे दो चार और क्वेश्चन देखें कि अभी जस्ट हमने बताया था कि भारत में स्टैटिकल
जो हम डे मनाते हैं नेशनल स्टेटिकल डे, किनके नाम पे मनाते हैं? अभी जैसे बताया था, अब कॉपी उलटना पड़ेगा। पीसी मालिनोविस के जन्मदिन पहली बार कब मनाया गया? तीन चार क्वेश्चन होगा ना, तो आगे नोट करके लिखेंगे। मैम आप रेडी कर दीजिएगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट टाइम, आप लिखेंगे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्टैटिकल डे वॉज सेलिब्रेटेड, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्टैटिकल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20 अक्टूबर 2010, यानी विश्व सांख्यिकी दिवस पहली बार मनाई गई। कब मनाई गई? 20 अक्टूबर 2010। दूसरा पॉइंट, इन इंडिया 29th June National Statistical Day is celebrated every year on birthday of Professor P.C. Mahalanobis। हो गया। अब भारत में एक संस्था का गठन हुआ है, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, National Statistics Commission was established, National Statistics Commission was established on 1st June 2005. On 1st June 2005, यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन भारत में कब गठित किया गया, क्या जवाब देंगे आप? 1st June 2005। वर्ल्ड में पहली बार स्टैटिकल डे कब मनाया गया? 20 अक्टूबर 2010। इंडिया में कब मनाई जाती है? 29th जून, है ना, किनके नाम पर? ऑन द बर्थडे ऑफ पीसी महालिनोविस। अब आगे लिखेंगे शॉर्ट में, अगला पॉइंट, पीसी महालिनोविस पूरा नाम लिखेंगे, प्रशांत चंद्र महालिनोविस, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखेंगे, बीपीसी में पूछा हुआ है, प्रशांत चंद्र महालिनोविस was the head of department of ISI, full form लिखेंगे Indian Statistical Institute situated in Kolkata, in his chairmanship, National Income Committee was constituted in 1948 to 49। क्लियर हो गई? यानी भारत में पहली बार यदि देखा जाए तो नेशनल इनकम कमेटी का गठन हुआ, किनके अध्यक्षता में? कॉपी देखना ही पड़ रहा है ना, एकदम लिस्ट पर अंकर हो जाना चाहिए। पूरा नाम, अभी ऐसा कोई और नाम भारत में विख्यात हुए हैं?
कोई पीसी घोष करके आए हैं, नाम सुने हैं, यहाँ पर हम प्रशांत पीसी महालिनोविस पढ़ रहे हैं, एक इन्हीं के तरह नाम मिलता जुलता भारत में दिख रहा है, नाम सुने हैं? हाँ, उनका जैसे यहाँ पर हमने देखा पीसी महालिनोविस, महालिनोविस देखो जोड़ जोड़ करके पढ़ो, और एक है पीसी घोष, इट ओके? देखो दोनों में कुछ नाम मिल रहा है, मैच कर रहा है, दोनों में पीसी पीसी पर्सनल कंप्यूटर है ना, पुलिस कोड, तो भैया यहाँ भी पीसी है, यहाँ भी पीसी है, ये जाने जाते हैं आईएसआई के लिए, ये जाने जाते हैं सेकंड फाइव ईयर प्लान के लिए, सेकंड फाइव ईयर प्लान के लिए, क्योंकि इन्हीं के मॉडल पे बनी थी, और ये है प्रशांत चंद्र घोष साहब जो है, ये जाने जाते हैं फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, यानी भारत में पहला लोकपाल जो बने हैं वो पीसी घोष बने हैं। क्लियर हो गया? लोक प्लस पाल, देर आर टू वर्ड, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम संस्कृत, लोक प्लस पाला, थोड़ा बता रहा हूँ, पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, ठीक है? लोक मतलब पीपल, पाला मीन्स केयर टेकर, केयर टेकर यानी जो आम जनता को प्रोटेक्ट करता है, आम जनता को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम किससे, करप्शन से, फ्रॉम करप्शन, दिस इज कॉल्ड लोकपाल, दिस इज कॉल्ड लोकपाल। क्लियर हो गई? 2013 का आप इतिहास भुला रहे हैं क्या, जिसमें बाबा रामदेव रामलीला मैदान से रात्रि में नैटी पहन के भागे थे, ठीक है? उसके बाद हम लोग को सोने का अधिकार मिला है, फंडामेंटल राइट्स है कि रात्रि में 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक बिंदास सोएंगे, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो डिस्टर्ब करेगा उस पर हम केस कर देंगे। अब इसके मतलब ये नहीं कि मम्मी कहे कि बेटा उठो 3 बजे पढ़ाई करनी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, जो पढ़ोगे दिमाग में याद होगा, तो मम्मी चलते हम FIR देने, बिकॉज नाउ यू आर डिस्टर्बिंग माई नींद, है ना? तो ये तो बड़ा चुनौती बन जाएंगे। तो हमने लगता है कि बोल के भी गलती कर रहा हूँ, आप लोग कहोगे चलो भैया हमें संवैधानिक अधिकार हो गए सोने का, नहीं वो पक्का सोएगी, उसका एकदम ध्यान से सुन रही है तो हम इसका इस्तेमाल पक्का से करेंगे, ठीक है? हाँ, आर्टिकल 21 जैसी, वाह ये भी याद हो गया है, इससे पहले नहीं था ना याद, ये पता भी नहीं थी कि सोने के भी अधिकार हमको मिले हैं, तो बाबा रामदेव ने हमें दिला दिए, तो कभी कभी बाबा लोग भी अच्छे अच्छे काम कर देते हैं, है ना? तो बाबा ने हमें सोने के अधिकार दिए, क्योंकि उस समय 2013 की बात थी, और उस समय आपने सुना होगा कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल, सुना था? बहुत सारे करप्शन खुले थे उस समय, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, कोल स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे घोटाला खुले थे, जिसके कारण अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया था दिल्ली के रामलीला मैदान में, और ये पूरे भारत में समझो कि वही उसी का कह सकते हैं, ये तूफानी जो कार्रवाई हुई ना, इसी का रिजल्ट मोदी जी हैं, क्यों पूरे भारत करप्शन 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 करने लगा, कहा कि अब कांग्रेस को हटाओ चाहे कुछ भी हटाओ, अब कांग्रेस को एकदम इतने गंदे तरह से हटा के अब लगता नहीं बेचारा आ पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी तो दुनिया में घूम घूम के बोल रहे हैं इन द देश पप्पू इन द वर्ल्ड, है ना? क्या बोले, रिकॉर्डिंग है तो क्या गलत होगी, अब राहुल गांधी बोलते हैं तो बोलते हैं, ठीक है? तो वो तो खुद प्रूफ करते हैं ना, क्योंकि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाते नहीं है, अब वो कैम्ब्रिज में जाकर के बोले थे कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, याद है ना? ये तो पूरा दुनिया ने देखा, तो उनको कम से कम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर तो उनको पढ़ के जाना चाहिए था, पैसे से प्रॉब्लम होती है, तो ये जो हमारे पास यही लोकपाल था, लोकपाल को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पीसी मारे, तो हम लोग क्वालिटी में पढ़ेंगे कि पीसी मालिनोविस कौन, सॉरी पीसी घोष कौन थे, कैसे कैसे लोकपाल का गठन होता है, लोकपाल होता है एक लोकायुक्ता होता है, सुना होगा जन लोकपाल आंदोलन में एक वर्ड आया, ये सारे क्या होते हैं, नॉर्मल अभी हमने बताया, ये नाम दोनों मैच कर रहा था, ये आप देख सकते हैं आई थिंक 65वीं 66वीं चल रहा है, 66 BPSC में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की, क्योंकि ये हमारा जो पहला लोकपाल मिले हैं, यह लोकपाल बहुत लंबा टाइम नहीं है, 2019 में मिले हैं, क्लियर हो गई? 2019 के मार्च था, 20 मार्च 2019,
20 मार्च 2019 को भारत में पहला लोकपाल मिला किसी को, ओके। तो उसी समय 66वीं बीपीएससी में ही पूछा था कि भारत का पहले लोकपाल कौन है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग फिर आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये नेशनल इनकम में हमने क्या क्या देख लिया, नेशनल इनकम में हमने देखा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारी चीजों को अब देख लिया। अब हम आते हैं डायरेक्ट नेशनल इनकम के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये जो हमारी नेशनल इनकम है साहब, ये नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए हम एक आसान तरीका इसको अपनाएंगे, ठीक है। और आसान तरीका को बांटेंगे इसको मुख्य रूप से चार भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर करके इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है जीडीपी। क्या होता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड जो होता है वो होता है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और लास्ट होते हैं एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इज इट ओके। तो देयर आर फोर पिलर्स, और इस चार पिलर्स के आधार पर हमें स्टडी करनी है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इस जीडीपी क्या होता है, देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक यहाँ भी है, डोमेस्टिक यहाँ भी है। हम करने जा रहे हैं कि ग्रोथ को हम नेट में बदल लेंगे। यहाँ पर हमारा ग्रोथ है, यहाँ पर हमारा क्या है, नेट है। तो सबसे पहले आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ग्रॉस और नेट में बस आपको अंतर बतानी है। ग्रॉस किसको कहते हैं, नेट किसको कहते हैं, टेल मी व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस, व्हाट डू मीन बाय नेट। आज इतने डिस्कस करेंगे, अगले में फिर हम लोग लंबे से डिस्कस करेंगे। ग्रॉस और नेट आप कैसे निकालेंगे, व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस, व्हाट डू मीन बाय नेट, कैसे निकालोगे आप बताइए। क्या नाम है आपका, आशीष। अच्छा, लगता है आप ही के बारे में सर बात कर रहे थे, है ना। तो ग्रोथ और नेट में क्या अंतर है बाबू, नहीं बता पाएंगे ऐसा, सर ही बताएंगे। चलो भैया मैं बता रहा हूँ, देखो ग्रोथ और नेट, जैसे मान लिया जाए क्या नाम है पल्लवी, देखो भाई ये पल्लवी है, अभी मत करें सर ऐसा फोटो हम है नहीं, ये पल्लवी है, ठीक है। पल्लवी पिछले साल 2021 था, 2021 में इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने शॉप खोला, दुकान। अरे दुकान खोलने में इन्होंने लगभग 2,00,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट दिया, कितने का, 2,00,000 इन्होंने इन्वेस्ट करके कि दुकान खोले। अब 2021 से हम आ गए 2022 में, अब इन्होंने देखा कि पिछले साल हमने 2,00,000 लगा करके हम अपने दुकान को एस्टेब्लिश किए थे, खोले थे, अभी हमारे पास कितना है। जब इन्होंने टोटल पैसा काउंट किया तो इनके पास लगभग 3,80,000 इनके पास पैसा आती है, दिखता है कि 3,80,000 है, क्लियर हो गई। तो आपने टोटल लगाया था कितना, 2,00,000, तो 2,00,000 जो आप लगाए थे ये आपका इन्वेस्टमेंट था ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट था, यानी आपने निवेश किया था 2,00,000 का, और अभी आपका तत्काल कितना हो गया है, 3,80,000 कर सकते हैं ना, 3,80,000 आप करें, आप जीरो कर देता हूँ तो 3,80,000 आपके पास अभी है। तो 3,80,000 है, तो इसमें से माइनस की बात आपका 2,00,000 भी तो है, 2,00,000 भी है ना। चलो भैया इसके अलावे एक साल में आप यदि पर डे 200 रुपया भी आप अपना मेहनताना वेजेज जोड़ते हैं तो 12×2=24 हो गया ना जी, 100 रुपया तो 3,000 का महीना हो गया, हम 100 रुपये लेकर चलते हैं तो 3,000 रुपया का महीना हो गया, सही बात है ना। और 12×3=36 तो 36,000 एने हो गया। तो पहले हम जोड़ते हैं तो 36,000 हम एने जोड़ लिया अपनी सैलरी, फिर बीच में पता चला कि चूहा जो था वो दुकान में कुछ सामान को काट दिया था, उसमें भी कुछ खर्चे हो गए रिपेयर करने में, तो उसमें मान लेते हैं कि उसमें भी आपको 1,000 रुपया का खर्चा हो गया, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2-4 वो बल्ब आपने लगाया था
मरकरी फ्यूज हो गई थी, किसी ने तोड़ दिया था, फोड़ दिया था, ओवरऑल पेंटिंग ये सब आपने करवाया रूम दुकान का, इसमें भी आपने देखा कि लगभग 2000 रुपया का खर्च हुआ है, क्लियर हो गई। तो टोटल इधर कितने खर्च हुए, 39 हो गया, 39,000 एमए हो गया, और इधर आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 2,00,000, यानी अब हो गए 2,39,000 हो गया ना, 39,000 हो गया ना। अब इसमें से हम घटाएंगे तो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट इसमें है, हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, ये हमारा पार्ट क्या है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट है, आई यानी प्लस ई है। तो अब हम पहले क्या करेंगे कि 2,00,000 और प्लस और जो खर्च हुए सारे चीजों को हम घटाते हैं या नहीं करते हैं, तो केवल आप 3,80,000 जो है इसमें से पहले आप 2,00,000 से तो घटाइए लीजिएगा, तो अब बचा कितना, 1,80,000 बचा ना। तो 1,80,000 अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया वो निकाल दिया, तो 1,80,000 आपका क्या बचा हुआ है, ये आपका अभी प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन प्रॉफिट में ऐसा भी तो आपकी खर्च हुई है, तो खर्च कितनी हुई है, 39,000, यहाँ से आपने 39,000 को घटा लिया, यानी कितना हो जाएगा, 1,741, यानी 141 जो लाख बचा ये आपका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। मतलब हमें नेट ऑफ ग्रोथ की बात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इक्वल टू नेट बराबर क्या होगा कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टमेंट प्लस हमारे जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये तो हमारा पूरा जो हो रही है किसका पार्ट है, ये हमारा ग्रोथ का पार्ट है ना। अब इसमें से हम क्या करें कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब हम करेंगे कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है इसमें से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लस अदर एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, अदर एक्सपेंडिचर को जब हम घटा देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर हो गई। तब आपसे क्वेश्चन होगा कि ग्रोथ बढ़ा या नेट बढ़ा, विच इज लार्जर, इसमें से बड़ा कौन होगा, ग्रोथ बढ़ा होगा या नेट बढ़ा होगा, बताओ। ये 2,00,000 बढ़ा था या 3,80,000 बढ़ा था, तो 3,80,000 हमारा क्या है, नेट है या ग्रोथ है, 3,80,000 नेट है हमारा, ग्रोथ में बढ़ा होगा, ग्रोथ में दोनों चीज आ जा रहे हैं दीदी, ग्रोथ में हमारा क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ जा रहा है और प्लस प्रॉफिट भी आ जा रहा है। अब हम नेट में क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट को घटाते हैं। जैसे आप लोग का एक मैथ है, मैथ पढ़ना है आप लोगों को, सिविल में सीटेट निकालना है ना, कैसे, तो सिंपल से समझ आया। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ बड़ा होता है या नेट बड़ा होता है, क्या जवाब दोगे आप, ग्रोथ बड़ा, क्यों ग्रोथ बड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दोनों हुआ तथा अन्य प्रकार के भी जो हमारे एक्सपेंडिचर है वे सारे इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम सारे एक्सपेंडिचर तथा इन्वेस्टमेंट को घटा देते हैं और उनमें से जैसे मान लिया जाए, इमेजिन करो आप मार्केट में जा रहे थे और मार्केट में जब आप जा रहे थे तो माता जी ने कहे कि लो 500 रुपया में आप कपड़ा खरीद लेना, टी शर्ट खरीद लेना, क्लियर हो गई। 100 रुपया और बड़े भाई साहब ने दिया, टोटल कितने मिल गए आपको, 600 रुपया। तो 600 रुपया आपको प्रॉफिट है या ग्रोथ प्रॉफिट है, लेकिन आप बाजार में गए आपको 400 रुपया में ही टी शर्ट मिल गया, 200 रुपया क्या हुआ, बच गया, ये क्या हुआ आपका, आपको समझ आ गया होगा। तो ग्रोथ का मतलब सब मिल करके और जब फाइनल जो हमारे पास सब खर्च करने के बाद जो बच गया, दिस इज कॉल्ड नेट। तो नेट हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा, मीनिंग क्लियर हो गई। तो ग्रोथ को नेट में क्लियर होगा। तो पहला जो हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे कि ग्रोथ को हमें क्या बनाना है, नेट, और फिर हम क्या पढ़ेंगे डोमेस्टिक को क्या बनाना है हमारा, नेशनल, और फिर यहाँ ग्रोथ को फिर कहाँ ले जाना है, नेट में, क्लियर हो गई। तो हमें इस तरह से कंपेयर करना है कि ग्रोथ को एक नेट में और डोमेस्टिक को नेशनल में, ये सारी चीजों को हम लोग अगले टॉपिक पे इसमें डिस्कशन करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी, अच्छा समझ आया आप लोगों को, जरूर देना।